नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। इस दिन से शुरू होगा डीएलएड प्रवेश परीक्षा। गर्मी की छुट्टियों में शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों को तोहफा। सीएम के फोटो को लेकर गृह विभाग ने जारी किया आदेश। भूमि विवाद पर मंत्री आलोक मेहता का नया फरमान। विराट कोहली ने की क्रिस गेल से सर्वाधिक आईपीएल शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस दिन से शुरू होगा डीएलएड प्रवेश परीक्षा। अगर आप भी उन छात्रों में हैं जो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड में नामांकन लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा डीएलएड प्रवेश के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। मालूम हो कि घोषित की गई तारीख के अनुसार इस परीक्षा की शुरुआत 5 जून से होने वाली है जो कि 15 जून तक चलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा के माध्यम से कुल 307 डीएलएड कॉलेजों के 30,700 सीटों पर नामांकन लिए जाएंगे। बता दें कि 5 से 15 जून तक होने वाली यह परीक्षा विभिन्न जिला मुख्यालय स्थित परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। वहीं इस परीक्षा का एडमिट कार्ड 27 मई को जारी कर दिया जाएगा जिसे अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के उपयोग कर आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों में शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों को तोहफा। राज्य में गर्मी का कहर जारी है और ऐसे में अब अगर बच्चों को किसी चीज का इंतजार है तो वो उनकी गर्मी की छुट्टियां हैं। बहुत जल्द ही राज्य के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होने वाली है। ऐसे में कई बच्चों के मन में कुछ नया सीखने, नया जानने की लालसा होती है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा समर कैंप की शुरुआत की जाएगी जिसकी जानकारी खुद शिक्षा विभाग के द्वारा फेसबुक पोस्ट के जरिए दी गई है। बता दें कि इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा गया है कि आपकी पहल अपनों के लिए समर कैंप में जुड़िए। सीखना, सिखाना और मौज मस्ती दोनों साथ करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समर कैंप की शुरुआत 1 जून 2023 से हो रही है जो कि 30 जून 2023 तक चलेगी। मालूम हो कि इसमें कक्षा 6 एवं 7 के छात्र छात्रा शामिल हो सकते हैं। बता दें कि समर कैंप से जुड़ने के लिए शिक्षित युवा अपना नाम, पंचायत, प्रखंड एवं जिला की सूचना 8434545657 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बता दें कि सूचना भेजने की अंतिम तिथि 20 मई 2023 तक है। सुहागिनों ने पति की दीर्घायु के लिए किया वट सावित्री की पूजा। आज यानी कि 19 मई को सुहागिनों के द्वारा की जाने वाली पूजा वट सावित्री पूजा है। बता दें कि आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं। मालूम हो कि आज सोमवती अमावस्या भी है। आज के दिन महिलाओं के द्वारा वट वृक्ष की पूजा की जाती है जिसके तने में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मदेव और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। वहीं वट की लटकती शाखाओं को सावित्री स्वरूप मानते हैं इसलिए ये पूरा पेड़ पूजनीय हो जाता है। ऐसे में आज सुबह से ही मंदिरों में महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि आज के दिन महिलाओं के द्वारा वट वृक्ष में कच्चा धागा लपेटकर पति के दीर्घायु होने की कामना की गई। इसके साथ ही पेड़ की जड़ में खीरा, खरबूजा पकवान अर्पित कर पूजा करते हुए सुख समृद्धि की मांग की गई। सीएम के फोटो को लेकर गृह विभाग ने जारी किया आदेश। गृह विभाग के संयुक्त निदेशक ब्रजेश कुमार सिन्हा की तरफ से आदेश जारी कर यह निर्देश दिया गया है कि अगर अब बिना अनुमति के किसी के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर का उपयोग किसी भी तरह के विज्ञापन में किया जाता है, चाहे वह विज्ञापन प्राइवेट हो या सरकारी, तो इसके लिए कार्रवाई की जा सकती है। बता दें गृह विभाग के द्वारा यह आदेश डीजीपी कार्यालय सहित पुलिस महकमा की अन्य सभी इकाइयों के प्रमुख को भेज दिया गया है। मालूम हो कि अभी तक किसी भी तरह के विज्ञापन में सीएम की तस्वीर लगाने के लिए जनसंपर्क से पत्राचार किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब नियम के अनुसार अगर कोई विज्ञापन में सीएम की तस्वीर लगाना चाहता है तो उसे सबसे पहले सीएम सचिवालय से अनुमति लेनी होगी, इसके बाद ही इसे प्रकाशित कराया जाएगा। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। बहुत जल्द ही बिहार वासियों को पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का सौगात मिलने वाला है, लेकिन अब तक इस ट्रेन के परिचालन को लेकर रेल विभाग की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन अब इन सब के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इस ट्रेन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि इस साल जून तक देश के सभी राज्यों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल जाएगी। यह लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तय किया गया है। बता दें कि अश्विनी वैष्णव के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद अब बिहार के लोगों की उम्मीदें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को लेकर बढ़ गई है और यह आशंका जताई जाने लगी है कि बहुत जल्द ही बिहार को भी यह ट्रेन मिल जाएगी। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान इतने हजार लीटर शराब हुए बरामद। बिहार में शराबबंदी है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी से जुड़ी घटनाओं की जानकारी मिलते रहती है। हालांकि इस पर नकेल कसने के लिए पुलिस के द्वारा भी लगातार कोशिश की जा रही है। बता दें कि ताजा मामला बिहार के जमुई का है,
जहां जमुई पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक जमुई डॉक्टर सौरेश सुमन के निर्देशानुसार लक्ष्मीपुर प्रखंड के कोहबरवा मोड़ पर अवैध माइनिंग का लेकर वाहन चेकिंग अभियान चलाने के दौरान एक बिना नंबर वाली पिकअप से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई और साथ ही पिकअप ड्राइवर की भी गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसकी पहचान सोनो प्रखंड के सिकंदर यादव के रूप में की गई है। बता दें कि पिकअप से लगभग 2000 लीटर शराब बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा तस्कर से पूछताछ की जा रही है। बिहार की राजधानी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण की प्रक्रिया शुरू। बिहार की राजधानी पटना में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि यह पार्क पटना के फतुहा अंचल के जैतिया गांव में बनाया जाएगा। इसके लिए 108 एकड़ जमीन अधिग्रहण की भी शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि जमीन अधिग्रहण के लिए जिला प्रशासन की ओर से उद्योग विभाग को अधियाचना भेजी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण हो जाने से रोजगार के अवसर में भी बढ़ोतरी होगी और साथ ही कनेक्टिविटी का भी विस्तार हो सकता है। मालूम हो कि इससे होने वाले फायदे को लेकर चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान की ओर से सोशल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट दी गई है। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण में लगभग 168 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। भूमि विवाद पर मंत्री आलोक मेहता का नया फरमान। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता के द्वारा भूमि विवाद को लेकर एक नया फरमान जारी किया गया है। बता दें कि जारी किए गए इस फरमान के तहत बिहार में 9.65 लाख भू जमाबंदियों की फिर से जांच की जाएगी, जिनकी जांच पहले ही ऑनलाइन माध्यम से की जा चुकी है। बता दें कि मंत्री आलोक मेहता के द्वारा कहा गया है कि जांच पूरी की जाने के बाद ही आगे की जमाबंदी कायम करने का काम किया जाएगा। मालूम हो कि इसके लिए सभी समाहर्ता को विभाग के सचिव जय सिंह के द्वारा दो अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर जमाबंदियों में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सकेगी। गरीब का महलनुमा घर सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बीते 16 मई को सीबीआई के द्वारा राजद विधायक किरण देवी और उनके पति राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव के यहां जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, लेकिन अब इन सब के बीच एक चौंकाने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बता दें कि यह तस्वीर राजद विधायक किरण देवी और राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव के भोजपुर स्थित आवास की है, जो कि बिल्कुल महल की तरह नजर आती है। वहीं अब इस आवास की वायरल हो रही तस्वीरों में लोगों के द्वारा खूब कमेंट्स किए जा रहे हैं और साथ ही कई मीम्स भी बनने लगे हैं। बता दें कि एक यूजर के कमेंट करते हुए लिखा जाता है कि सीबीआई फिर एक गरीब के यहाँ छापेमारी कर रही है। बेचारों ने खून पसीने की कमाई से एक छोटा सा घर बनाया था, लेकिन सीबीआई को वो भी रास नहीं आया। बता दें कि यह कमेंट खूब वायरल हो रही है। हालांकि बिहारी न्यूज की ओर से यह पुष्टि नहीं की जाती है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। यह वायरल हो रही तस्वीर राजद विधायक किरण देवी और उनके पति राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव के भोजपुर स्थित आवास की है। पटना की नेहा रानी ने पावर लिफ्टिंग में जीते 4 पदक। तमिलनाडु के इनकासी में 13 से 17 मई के बीच आयोजित हुई प्रतियोगिता जूनियर सब जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार की राजधानी पटना की नेहा रानी ने अपने नाम 4 पदक किए हैं। बता दें कि इस 4 पदक में 2 सिल्वर और 2 कांस्य पदक शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेहा रानी के द्वारा इस प्रतियोगिता में 57 किग्रा वर्ग में कुल 430 किग्रा का भार उठाकर रजत पदक अपने नाम किया गया है। मालूम हो कि बिहार में यह लगभग 13 वर्ष बाद हुआ है जब किसी महिला के द्वारा पावर लिफ्टिंग में पदक जीता गया हो। वहीं नेहा रानी के इस सफलता पर पावर लिफ्टिंग संघ के निरंजन कुमार, मनीष कुमार व अतुल कुमार के द्वारा बधाई दी गई है। बागेश्वर बाबा पर लगे इतने रुपए का जुर्माना। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 13 से 17 मई तक बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर के तरेत पाली में हुए अपने हनुमंत कथा के कार्यक्रम को लेकर पटना पहुंचे थे। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर उनका जमकर भव्य स्वागत भी किया गया था। वहीं बाबा बागेश्वर को उनके होटल तक लाने का जिम्मा जहां वे कार्यक्रम के दौरान ठहरे थे भाजपा सांसद मनोज तिवारी के द्वारा उठाई गई थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक के नियम के अनुसार सीट बेल्ट नहीं लगाया था, जिस वजह से अब मनोज तिवारी और बाबा बागेश्वर पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से 1000 रुपए का चालान काटा गया है। 20 मई को भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। बिहार की राजधानी पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में 20 मई को बिहार भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की एक दिवसीय बैठक होने वाली है। बता दें कि इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। वहीं 20 मई को होने वाला यह बैठक प्रदेश भाजपा सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद का पहला बैठक है। हालांकि अब तक मौजूदा अध्यक्ष के द्वारा नई कमेटी का गठन नहीं किया गया है। बता दें कि खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि अगर कमेटी के गठन की प्रक्रिया अपनाई गई तो कार्य समिति की बैठक की तिथि में बदलाव भी किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक में पार्टी की ओर से अपनाई जाने वाली रणनीति को लेकर बातें की जाएंगी।
कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में इन पार्टी नेताओं को निमंत्रण नहीं। 20 मई यानी कि कल कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से विपक्षी दल के कई नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के भी नाम शामिल है। लेकिन इसके साथ ही कई मंत्री ऐसे भी हैं जिन्हें कांग्रेस की ओर से शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के सीएम केसीआर, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, पंजाब के सीएम भागवंत मान के नाम शामिल हैं जिन्हें न्योता नहीं भेजा गया है। बता दें कि ये वही नेता हैं जिनके रिश्ते कांग्रेस के साथ कभी अच्छे नहीं रहे हैं। विराट कोहली ने की क्रिस गेल के सर्वाधिक आईपीएल शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी। बीते दिन आईपीएल 2023 के 16वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के द्वारा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार शतक लगाया गया। बता दें कि आईपीएल में उनका 6ठा शतक है। मालूम हो कि शतक के बाद वह टूर्नामेंट में क्रिस गेल के सर्वाधिक 6 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी कर गए। 63 गेंद में 12 चौके और 4 शानदार छक्के के बूते 100 रन बनाने वाले कोहली पूरी लय में नजर आए। विराट ने चौके के साथ 35 गेंद पर अपनी 50 पूरी की। उसके बाद उन्होंने ज्यादा स्ट्राइक लेना शुरू किया और फाफ डुप्लेसिस के मुकाबले ज्यादा आक्रामक हो गए। इस दौरान उन्होंने सीजन अपने 500 रन भी पूरे कर लिए। सीजन में 500 रन के मार्क को छूने वाले वह कुल चौथे और फाफ के बाद आरसीबी के दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। मालूम हो कि विराट ने 62 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया था और फिर अगली ही गेंद पर वह कैच आउट हो गए। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.98 रुपए और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल की कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, योगेंद्र रजक, सदुल्लाह पलवी, नुनू गोलू कुमार, शंकर मुखिया, राजकिशोर देव, देवानंद देव, आदित्य कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, मृत्युंजय कुमार, रविंद्र कुमार, के सिन्हा, कुश कुमार यादव, रवि कुमार राम, सूर्यकांत कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस बार की गर्मियों की छुट्टी में आपका परिवार के साथ कहाँ घूमने जाने का प्लान है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।